हाय एवरीवन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग और तीन लेक्चर्स हुए थे जिसमें पार्ट वन हमने पूरा करा था ऑब्जेक्टिव्स के लिए और सब्जेक्टिव का पार्ट टू चल रहा था। तो ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 4, मॉडल सेट 1, क्लास 12th केमिस्ट्री। पार्ट 2 चल रहा था इसमें सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक करा था हमने। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए और आरएनए में तीन अंतर बताना है। डीएनए और आरएनए में तीन अंतर बताना है। कई है, तीन ही पूछा है तो कई अंतर, तीन पूछा है बस। एक अंतर तो नाम में ही हो जाएगा इसका, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें जो शुगर है, शुगर इज 2-deoxyribose। राइबोज एक मोनोसेकराइड है 5 कार्बन का। उसका सेकेंड कार्बन का जो ओ होता है मतलब ओ एच, वहाँ से ओ हटा रहता है, इसलिए लगा है 2-deoxyribose की। राइबोज का सेकेंड पोजीशन का ऑक्सीजन हटा हुआ, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा हुआ, तो शुगर इज 2-deoxyribose। और इसमें हो गया शुगर इज राइबोज, एक अंतर ये हम लोग लिख देंगे। दूसरा अंतर इसमें आप बेस का लिख सकते हो। दूसरा अंतर इसमें बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और होता है थाइमिन। इसमें है तीन तो कॉमन ही हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिन। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तीन तो कॉमन है, अंडरस्टूड है कि ये तीनों जो है डीएनए में भी है आरएनए में भी है। यहाँ यूरासिल नहीं है, वहाँ थाइमिन नहीं है बस। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसमें लिखोगे यूरासिल इज एबसेंट। तो जो टोटल 5 बेस होते हैं ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यूरासिल, ये 5 हैं, 5 में से हम लिख रहे हैं यूरासिल एब्सेंट है, इसका मतलब जो बाकी 4 है वे होंगे यहाँ। ऐसा उसी प्रकार से यहाँ के लिए क्या लिखोगे, यहाँ के लिखोगे थाइमिन इज एब्सेंट। बस हम लोग यहाँ यही लिखेंगे। तो एक ये हुआ। नेक्स्ट, डीएनए जो है वह पाया जाता है सेल का न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और ई पाया जाता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल फीचर्स में जाएंगे तो इसका डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड हेलिक्स। और इसमें सिंगल स्ट्रैंड बनता है, यह स्ट्रक्चर से पता चलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर।
एग्ज़ाम में लोग गलतियां करते हैं, स्ट्रांडेड को स्टैंडर्ड लिख देते हैं। स्टैंडर्ड नहीं भाई, स्ट्रांडेड अलग चीज़ है। DNA RNA का स्ट्रक्चर पढ़े होगे, उसमें जानते होगे इसके बारे में। तो डबल स्ट्रांडेड राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें सिंगल स्ट्रांड बनता है। अरे बहुत करोगे तो एक पॉइंट को और एडजस्ट किया जा सकता है। तीन ही पूछा है लेकिन थोड़ा एक्सेस बढ़ा करके लिख रहे हैं हम। DNA में यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, और इसमें नहीं होता है। नो रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन क्या है फिर से उसको डिटेल में है। अपने आप का कॉपी बनाना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। डुप्लीकेटिंग इट्सेल्फ, खुद का डुप्लीकेट तैयार करना रेप्लिकेशन कहलाता है। जैसे रोबोट मूवी देखे होंगे, एक रोबोट अपना जैसे कितना सारा रोबोट बना लेता है, दिस इज रेप्लिकेशन। तो यार DNA और RNA में डिफरेंस हुए कि DNA नाम से पता चला है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब यहाँ शुगर के रूप में डीऑक्सीराइबोज है, वहाँ राइबोज है। बेस इसमें यूरासिल नहीं होता है, बाकी चार हैं उसमें थाइमिन नहीं होता है। यह सेल का न्यूक्लियस में है जबकि वह साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस के अगल बगल का जो पोर्शन होता है। डबल स्ट्रांडेड राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सिंगल है। इसका रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक DNA मॉलिक्यूल अपने जैसे कई DNA तैयार कर सकता है, जबकि RNA में ऐसा बात नहीं है। तो कंप्लीट आंसर है, काफ़ी है। तीन पूछा है, हम पाँच छः लिखवा दिए, जो मन करे इसमें से लिखोगे। अब ऐसा भी नहीं करना है कि एग्ज़ाम में तीन पूछा है तो आप तीन ही लिख रहे हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप जान रहे हो चार पांच पॉइंट ऐड कर दो। वैसे क्या होता है ना कि थोड़ा सा टीचर की नज़र में आंसर आता है तो एक मेंटेलिटी सेट होता है, चलो बच्चा जितना जान रहा है उतना सब लिख रहा है, तो आगे के क्वेश्चन में वो तुम्हें मदद करेगा। कि थोड़ा कम भी लिखोगे ना तो टीचर के दिमाग में सेट रहता है कि चलो उधर लिखा था ठीक ठाक, यहाँ थोड़ा बहुत कम लिखा है, मैनेज हो जाता है मार्क्स। तो ये नहीं कि तीन डिफरेंस पूछा है तो आपको तीन ही लिखना है, कसम खा लियो, नहीं। जान रहे हो चार पांच तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ताकि आगे के क्वेश्चन में मदद करेगा। बाकी तो इसका सॉल्यूशन भेजा गया है, नोट्स में है मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। 13 नंबर, होमोपोलीमर और है कोपोलीमर, दो होमोपोलीमर और कोपोलीमर। चलो ध्यान से समझोगे जरा, होमो वर्ड का मतलब जान रहे हो ना, एक जैसा, सेम। तो बोल रहा है कि वैसे पॉलीमर जो बने होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर, या मोनोमेरिक यूनिट या मोनोमर चलेगा, कि उस प्रकार के पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं। वैसे पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमो पॉलीमर, और जो अलग अलग प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स, इसमें अलग अलग प्रकार के मोनोमर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो इसका पॉलीथीन, बड़ा कॉमन सा चीज़ है जो केवल इथीन से बना है। N मॉलिक्यूल इथीन के होते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन करोगे आप तो यह बदल जाएगा CH2 का होल N। तो यह है पॉलीमर पॉलीथीन, या इथीन। पॉलीथीन पॉली का मने बहुत सारा, तो बहुत सारे इथीन मिल गए तो पॉलीथीन बन गया। अब चूंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं वे सबके सब इथीन के हैं, एक ही तरह के हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। उसी प्रकार से होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसा।
CH2CHCl, अच्छा यहाँ भी पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो CH2CHCl का N PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ भी देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर में ऑल आर विनाइल क्लोराइड, सबके सब मॉलिक्यूल्स केवल विनाइल क्लोराइड के हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसे हम कहेंगे पीवी। तो नाम से ही पता चल रहा था ना कि वैसे पॉलीमर जो सेम मोनोमर यूनिट से बने हों, केवल एक प्रकार के मोनोमर यूनिट से बने हों, अलग अलग मोनोमर्स उसमें ना हो। अब इसमें ले लोगे अलग अलग है, जैसे बूना एस, बूना एस क्या क्या चीज़ से बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटाडाइन से बना है एन मोल, ब्यूटा 1,3-डाइन और एन मोल इथीन, ऐसा इथीन पॉलीमराइजेशन होता है इसका, तो इस तरह का कुछ बनता है। तो अब यहाँ इस पॉलीमर को तुम देखोगे तो इसमें तो तुम्हें दो तरह के मोनोमर दिखेंगे ना, दो तरह के मोनोमर दिखेंगे, एक या ब्यूटा 1,3-डाइन है और दूसरा सॉरी इथीन लिख दिया, स्टाइरीन है, स्टाइरीन है फिनाइल इथीन। तो यहाँ ये अलग अलग तरह के मोनोमर हैं, ये अलग मोनोमर हुआ, ये अलग मोनोमर हुआ, इनका पॉलीमराइजेशन होकर के ये वाला पॉलीमर बना है। तो को पॉलीमर मतलब इसमें अलग अलग तरह के मोनोमर हों, एग्जाम्पल में यही एकमात्र नहीं है, बूना एस है, बूना एन है, नाइलोन 66 है, उसके अलावे क्लैप्टल है, ऐसे कई हैं, कई हैं ऐसे, ध्यान रखोगे इस बात को। तो काफ़ी इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, डेफिनेशन लिखोगे और फिर एक एग्जांपल्स एक दो ऐसे करके दे देना जो नोट्स में मेंशन है, काफ़ी है इतना। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, क्वेश्चन नंबर 14 जो अंतिम यूनिट है क्लास 12th केमिस्ट्री में वहां से। इसमें से शॉर्ट नोट्स लिखना है 14 का ए, ट्रैंक्विलाइजर्स, डेफिनेशन क्या है, द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस used for the treatment of, used for the treatment of a stress fatigue mild and safer mental diseases आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। दीज आर यूज टू रिलीज मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी, दीज आर यूज टू रिलीज मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी। बोल रहा है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस, वैसे ड्रग्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है तनाव या फिर छोटे बड़े जो मेंटल डिजीज होते हैं, मोटा मोटी इतना जान लो कि यदि कोई भी व्यक्ति मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है,
तो उसे कम करने के लिए जो मेडिसिन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वे ट्रैंक्विलाइजर्स कहलाते हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ है कि उस केस में ना तो आप ढंग का भोजन कर पाओगे, ना तो आप अच्छे से नींद ले पाओगे। और ये दोनों चीज़ें जो है एक लिविंग बॉडी को बहुत परेशान करती हैं। अच्छे से नींद नहीं आ रहा हो फिर भी दिक्कत है, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो फिर भी दिक्कत है, और ये सब रिजल्ट जाता है मेंटल डिसऑर्डर का। तो ये बोल रहा है कि मेंटली यदि आप डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेस्ड हो, तो उसे कम करने के लिए जो है आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ये डिप्रेशन वगैरह आता कैसे दिमाग में, इसको यदि जानोगे तो ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो सेक्रेट होते हैं दिमाग में, जो आपको उस बात को सोचने पे मजबूर करेंगे, वही तकलीफ, वही परेशानी बार बार आपके दिमाग में रहेगा। तो बेसिकली ये मेडिसिंस करते क्या है कि उन्हीं हार्मोन्स को वहाँ ब्लॉक करते हैं, रिलीज नहीं होने देते हैं, तो दिमाग में फिर वैसा कुछ खुराफाती चलेगा नहीं, थोड़ा आदमी रिलैक्स्ड होता है उस केस में। एग्जाम्पल कई हैं, जैसे सबसे कॉमन है इक्वानील, उसके बाद इप्रोनियाजिड एट्सेट्रा, कई हैं ऐसे। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स इसमें उसी जाएगा, द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to relieve pains without causing impairment of consciousness, mental confusion, paralysis or some other disturbances of nervous system are called analgesics. एग्जाम्पल में है एस्पिरिन, नैप्रोक्सिन, हेरोइन एट्सेट्रा, समझोगे जरा। मोटा मोटी जानो, एनाल्जेसिक्स को हम लोग कहते हैं दर्द निवारक दवाई, दर्द को कम करने के लिए। तो दर्द कहने का मतलब कि जो बॉडी पेन होता है नॉर्मली हम लोगों का, उस बॉडी पेन को कम करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वे मेडिसिन सी कहलाते हैं एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक गोली। अब इस बात को ज़रा समझोगे, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों के बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन है या कुछ भी है, या महसूस तब होता है जब वह मैसेज नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है, कहीं कट गया, कहीं चोट लग गया, दर्द का एहसास हुआ, कब, जब वहाँ से मैसेज यहाँ पहुँचता है नर्वस सिस्टम तक। तो इस दर्द को कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो मैसेज यहाँ पहुँच रहा है इसको पहुँचने ही ना दें, तो वैसे भी काम हो जाएगा, दर्द का एहसास ही नहीं होगा। या दूसरा कि जो सेल या जो टिश्यू डैमेज हुआ है जिसके वजह से आप दर्द को महसूस कर रहे हो, उस सेल या टिश्यूज को ही ठीक करें। माने एक है कमी छुपाना और दूसरा हो गया उस कमी को दूर करना। दो बात हुआ, दीवार में कहीं दाग लग गया है तो एक उस दाग को ही आप डायरेक्ट हटा दिए वहाँ से, या दूसरा कि उसके ऊपर एक बार पेंट चढ़ा दिए, दोनों बात हो सकता है ना।
जैसे मान के चलो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जा रहा है, गिर गया, चोट लग गया, उसे दर्द का एहसास होता है, लेकिन वही एक शराबी जा रहा है, गिर गया, तो चोट लगता उसे भी है लेकिन दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वह उस समय अल्कोहलिक होता है तो उसका नर्वस सिस्टम ब्लॉक्ड होता है, मैसेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है दिमाग तक, तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। जब नशा उतरता है तब मैसेज वहाँ पहुँचता है, तो फिर होश ठिकाने आ जाता है। तो दो बात हुआ, एक कि आप उस मैसेज को ही वहाँ ना पहुँचने दो, ब्लॉक कर दो, बीच में ही उसे रोक दो, और दूसरा तरीका हो गया कि उस सेल या टिश्यूज को आप ठीक करो जिसके वजह से वह पेन हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, वे ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिनका उपयोग जो है दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। तो दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है तो एक्चुअली सेल या टिश्यू जो डैमेज है उसे ठीक करता है। लिखा हुआ है ना कि यह किसी भी तरह का जो है डिस्टर्बेंस नहीं करता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित नहीं करता है, मैसेज यहां पहुंचने देता, ब्लॉक नहीं करता है उसे। लिखा हुआ आगे, विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस मतलब होश, एहसास, मतलब देखते हो कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो आदमी क्या करता है, बेहोशी का इंजेक्शन दे देगा या एक थेटर करने का इंजेक्शन होता है, उसके बाद चिड़ा फाड़ रहा, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा दर्द का, क्योंकि उस समय हम लोग का एहसास नहीं रहता, हम लोग को होश नहीं रहता है, इसीलिए दिमाग में कुछ पहुँच ही नहीं पाता है। तो बोल रहा है एनाल्जेसिक्स का वो सब काम नहीं है, एनाल्जेसिक्स का वो सब काम नहीं है, डायरेक्ट सेल या टिश्यूज को ही ठीक करता है जो डैमेज है, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा, तुम्हारा होश खोने नहीं देगा, डायरेक्ट उसे ठीक करता है। लेकिन हाँ, एनाल्जेसिक्स पढ़ोगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नार्कोटिक्स और दूसरे होते हैं नॉन नार्कोटिक्स। तो ये जो नार्कोटिक्स वाले हैं ना, नार्कोटिक्स नशीला, जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, सुने होंगे सब ड्रग्स जो होते हैं, तो वे सब नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में आते हैं, दर्द को ठीक करते हैं लेकिन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, बेहोश कर देगा, तो सब नार्कोटिक्स की कैटेगरी में आता है। नार्कोटिक्स तो एनाल्जेसिक्स दोनों है, नार्कोटिक्स भी, नॉन नार्कोटिक्स भी। नॉन नार्कोटिक्स में जैसे एस्पिरिन आ गया, नाप्रोक्सिन आ गया, ये सारे दवाएं हैं जो नॉन नार्कोटिक्स है, आप इनका उपयोग करोगे दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन आपका होश गायब नहीं होगा, नर्वस सिस्टम को प्रभावित नहीं करेंगे, ये नॉर्मल से ड्रग्स हैं। लेकिन वही यदि हेरोइन है, मॉर्फिन है या कोई नॉर्मल ड्रग्स लेते हो तो वे सारे नार्कोटिक्स की कैटेगरी में जाते हैं। तो नॉर्मल एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वे बेसिकली कुछ बेहोश वगैरह करने वाला काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन उसी में से यदि आप स्पेशली नार्कोटिक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर होगा, आपका होश भी गायब होगा, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस भी आएगा, होते ही रहेगा कुछ ना कुछ। समझ रहे हो इन बातों को? तो ये थे ट्रैंक्विलाइजर्स और एनर्जेसिक्स, कि जब आदमी मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, तब उसे ठीक करने के लिए जो दवाई यूज किया जा रहा हो ट्रैंक्विलाइजर्स। यहाँ साफ लिखा हुआ लास्ट लाइन में कि दीज आर यूज टू रिलीज मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी, मानसिक तनाव और जो चिंता फिक्र होता है बिना मतलब का, उसे ख़त्म करने में इस्तेमाल होता है, और या जो है दर्द को ठीक करने के लिए। तो आगे लिखा हुआ जो भी इतना कहानी सुना है कि दर्द दो तरीके से ख़त्म हो सकता है, तो इसमें से दोनों है इसका, एक तो नार्कोटिक्स स्पेशली लिए तब फिर करेगा, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, कॉन्शियसनेस लॉस होगा, पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन नार्कोटिक्स होते हैं, एस्पिरिन वगैरह, ये सब में ऐसा कोई बात नहीं होता है। समझ गए? बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यही दो तीन टॉपिक होते हैं जिसपे नोट्स लिखने के लिए रहेगा, ध्यान रखोगे इस बात को, कोई भी दो तीन टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे आप, एनाल्जेसिक्स तो हो गया, उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पढ़ोगे आप, फिर एंटी मलेरियाज है, एंटी हिस्टामिन्स हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कोई भी दो तीन पे जो है ना शॉर्ट नोट्स लिखना आता है केमिकल्स इन मेडिसिन में, तो ध्यान रखोगे ये शॉर्ट नोट्स जो आएंगे लिखने के लिए उसमें से ऐसे ही आपको दो चार लाइन लिखना होगा और कुछ एग्जांपल। तो यार एक मॉडल सेट में चूंकि ये दोनों दिया तो बार बार हम कह रहे हैं कि यही दोनों एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये दोनों आ जाएंगे, सो अलग आ सकता है। तो रटोगे, सबको रटना ही होगा इस चैप्टर से, केमिकल इन मेडिसिन जो है उससे रटना होगा सबको जितना हम बताए। तो कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आई थिंक एक लेक्चर और लगेगा फिर ख़त्म हो जाना है पूरा है।
धन्यवाद।